चलिए आज बनाते हैं पास्ता की रेसिपी, वो भी प्रेशर कुकर में। 10 मिनट में ये प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी से बनकर ये तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में 1 स्पून तेल डाला, 1/4 चम्मच जीरा डाला। जब जीरे का कलर चेंज हो जाए तो इसमें इस तरीके के स्लाइसेस में प्याज डालेंगे और बारीक कटा हुआ इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसे कंटिन्यू मिलाएंगे जब तक कलर प्याज का चेंज ना हो जाए, देखिए। और इसमें अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट ऐड कर देते हैं ताकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निखर के आए। अब इस स्टेज पे हम कंटिन्यू प्याज लहसुन को पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये अच्छी तरीके से पकेगा ना, तो इसका फ्लेवर पास्ता में इतना टेस्टी या अमेजिंग नहीं कर सकता। अब इसमें खूब सारा मैंने 2 से 3 टमाटर डालेंगे और बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। कंटिन्यू मैं इसे तब तक पकने के लिए छोड़ूंगी जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो ना, वो डाल दीजिएगा। बस मैं इसमें शिमला मिर्च ही डालूंगी ताकि इसका टेस्ट ना निखर के आए। मसाले ऐड करेंगे तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसमें खूब सारा इसमें डालेंगे मैगी मसाला। इसके बिना तो ये जब ये मैगी मसाला डालेंगे ना, तो इस पास्ते का फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा और इतना यमी खाने में लगेगा ना, देखिए। सभी मसालों को कंटिन्यू 2 मिनट तक भुनेंगे ताकि जो मसाले हैं, जो टमाटर है, जो भी सब्जी हमने डाली है ना, वो अच्छी तरीके से पक जाए। अब इस मेजरमेंट से मैं 1 कटोरी पास्ता डालूंगी। पास्ता डालने के बाद इसे कंटिन्यू मसालों के साथ ही भुनेंगे ताकि अच्छी तरीके से मसालों के साथ मैश हो जाए। और इसमें जो पानी हम ऐड करेंगे ना, तो ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने 1 कटोरी पास्ता लिया है तो इसी 1 कटोरी से पानी डाल देंगे ताकि ये चिपचिपा और खिले खिले बने। ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो ये चिप जाएंगे और निखर के एक एक पीस नहीं निकलेगा। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन मैं बंद कर दूंगी और इसे नॉर्मल 1 विसल तक ही पकाऊंगी, ज़्यादा विसल तक नहीं पकाएंगे। अब देखिए प्रेशर कुकर में कितनी अच्छी तरीके से ये देखिए दिखाई दे रहा है। ऊपर से खूब सारा हरा धनिया के साथ इसे सर्व करेंगे। तो ये आज की हमारी इंस्टेंट पास्ता रेसिपी बनकर तैयार है। टाइम भी नहीं लगा, उबालने का झंझट नहीं है। फटाफट इसे प्रेशर कुकर में डालिए और देखिए कितना यम्मी। चलिए इसे सर्विंग प्लेट की ओर चलते हैं। देखते ही ये मन करेगा अभी बना के खा लूँ, मेरे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। और मेरे बच्चे, पता, जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ ना, तो बस उनकी डिमांड रहती है थोड़ा ज़्यादा बनाना, हम इसे खूब खाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।